Yeah. Oh. सुदेव सुतम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगदगुरु वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगदगुरु आज के इस शुभ दिन पर जब जिसे कहते हैं फाल्गुन महीना प्रारंभ हो रहा है और हमारा संवत समाप्त होने की तरफ है दो तो आज के इस पवित्र दिन पर हमने गीता शास्त्र के बारहवें अध्याय की चर्चा करने के लिए प्रभु से आशीर्वाद मांगा मां सरस्वती से आशीर्वाद मांगा संपूर्ण गीता शास्त्र अठारह अध्याय में है और इसमें सात सौ श्लोक हैं और सभी अध्याय का नाम एक योग करके है गीता का बारहवा अध्याय भक्त योग के नाम से जाना जाता है जिसमें बीस श्लोक हैं और ऐसे तो गीता शास्त्र के सभी अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं लेकिन गीता शास्त्र का बारहवा अध्याय अगर मुझे कहना हो तो मैं कहूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके बीस श्लोक जीवन भर मनन करे व्यक्ति उन पर चिंतन करे तो बहुत अच्छे अपने जीवन का एक अर्थबोध प्राप्त हो जीवन का अर्थ बोध का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक इस भौतिक संसार को यथार्थ मान करके इसके प्रति एक मोह पैदा करके इस संसार के विभिन्न लगाव में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और यह संसार जैसे कुछ बचता नहीं है जो आपका बचपन था जो आपका युवावस्था था जो आपका जो भी विभिन्न अवस्थाएं थी जीवन की उसमें अगर विचार करेंगे तो उसमें सब जैसे लगता है कि कोई एक एक स्वप्न की तरह से ये पूरा संसार जैसे कोई शून्य से निकल करके शून्य में विलीन होता जा रहा है इस संसार के इस नश्वरता इस शून्यत्व इस नथिंगनेस की समझदारी विभिन्न सभ्यताओं में लोगों को प्राप्त हुई और जो भारत की सभ्यता में हमारे यहां उपनिषद की सभ्यता है या वेद की सभ्यता है उन्हीं के क्रम में जो गीता शास्त्र जो युद्ध मैदान में कहा गया एक एक ज्ञान यज्ञ है उसमें कैसे इस संसार को कैसे समझा जाए और इस संसार का एसेंस क्या है? जैसे कहते हैं कि संसार का एसेंस मतलब इसका सार क्या है इसका सत्व क्या है इसका सत्य क्या है और इस सत्य और सत्य की तरफ इशारा करते हुए भगवान ने एक जिस तत्व की तरफ इशारा किया जिसके लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है भगवान ने गीता शास्त्र में उस सत्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो मैं उनका श्लोक पढ़ूंगा फिर उसका अर्थ बताऊंगा उसमें भगवान ने कहा कि ये त्वक्षर्म निर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्र गम चिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम संद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हितेरता भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में एक ऐसा आवाहन करते हैं या एक प्रकार का आश्वासन देते हैं कि कैसे हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरत्व है हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरत्व है और कैसे व्यक्ति ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है इस अध्याय का ये बहुत बड़ा महात्म्य है कि हर व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की लघुता से उठा करके निहसीम या असीम की तरफ ले जाता है आप इस शरीर में इस फ्रेम में बधे हुए एक चेतना नहीं है मन बुद्धि और अहंकार नहीं है इससे अलावा एक, एक सत्य है वह है आप और उस सत्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया श्रीकृष्ण ने वो अक्षर शब्द का प्रयोग किया अक्षर माने जिसका कभी नाश न होता अनिर्देश शब्द का प्रयोग किया गया अनिर्देश कहते हैं जिसको ये नहीं बताया जाए कि देखो ये है इस संसार में किसी चीज को बताने के लिए आप अपने उंगली से बता सकते हैं कि यहां पर ये है यहां ये है यहां, यहां ये है लेकिन वह जो सत्य है उसके लिए भगवान ने अनिर्देश फिर दूसरा तीसरा शब्द है अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया अव्यक्त अव्यक्त माने जो नॉन मैनिफेस्ट जो प्रकट नहीं है एक ऐसे बात को सत्य कहा जो प्रकट नहीं है और फिर उसके बारे में कहा कि वह कहीं भी पहुंच सकता है कहीं भी पहुंच जाए वो एक ऐसा सत्य है जो कहीं भी पहुंचे और फिर उसके बारे में चौथी या पांचवी बात कहा कि वो अचिंत्य है अचिंत्य माने इस संसार की सभी चीजें हैं उन पर आप एक चिंतन करते हैं उनका एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं उनकी एक इमेज बनाते हैं उनकी इमेज बना करके अपने मन में उसके बारे में एक एक आइडिया एक विचार डेवलप करते हैं लेकिन वह जो सत्य है जिसको कृष्ण इशारा कर रहे हैं गीता शास्त्र में उसे कह रहे अचिंत अच्च, है और फिर कह रहे हैं एक और शब्द का प्रयोग करते हैं कूटस्थ कह रहे कुटस्थ माने होता है कि, कि किसी भी चीज के जिसे कहा जाए मोस्ट एसेंशियल बिना का जो उसका वास्तव में जो रियलिटी हो कूट बने होता है छिपा हुआ जो छिपा हुआ हो कूटस्थ हो उसको कूटस्थ कहा भगवान ने और फिर उसके बाद भगवान ने कहा वो अचल है अचल भी कहा उसे अचल के माने हुआ कि संसार की सभी वस्तुएं चलायमान है वो जो जिस की चर्चा हो रही है सत्य की वो अचल है और फिर एक और शब्द का प्रयोग किया कि वह ध्रुव है अचलम ध्रुवम ध्रुवम माने होता है जो ध्रुव माने सत्य अस्थिर हो इसका श्लोक इस है कि ये त्वक्षर्म निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिंतन च अचलम ध्रुवम और इसमें एक शब्द है पर्युपास्ते। ये त्वक्षर्म निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास पर युपासते का अर्थ हुआ उसके नजदीक जाना उपासना माने होता है नजदीक जाना नजदीक बैठना नजदीक जाना अर्थात जो अक्षर और अव्यक्त और अनिर्देश और कूटस्थ और ध्रुव इन सब विशेषताओं से जिसे बताया गया जो अचिंत उसके नजदीक जाना ऐसा कृष्ण ने कहा और उसके नजदीक जाने पर दो शर्त और भी लगा दिया कि जब वो नजदीक जाइए तो आप सबनियम नियंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया वहां जा करके जो आपकी इंद्रिया हैं उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए ऐसे करके कहा और सबके प्रति एक समान बुद्धि रखनी चाहिए सर्वत्र संबुद्धया ये जो दो बातें हैं इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने के लिए कि जब आप अक्षर और और अचिंत्य और और कूटस्थ ध्रुव अचल इसके बारे में जब आप इससे जब नजदीकी प्राप्त करेंगे इसकी जब उपासना करेंगे इसकी उपासना करने में श्री कृष्ण कहते हैं कि इसकी उपासना करने में आपको अपनी इंद्रियों का नियमन उनको कंट्रोल करना पड़ेगा और सबके प्रति जब इस अवस्था में पाएंगे तो समान भाव रखना होगा सबके प्रति समान बुद्धि रखने का मतलब हुआ कि किसी को आप देखें तो यह ना सोचे कि यह पराया है या कोई दूसरा है हम कोई दूसरे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे ही आपदेश के उपासना करेंगे जब अनिर्देश की उपासना करेंगे तो आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखे नहीं ऐसा लगे कि जैसे वो कोई पराया और ऐसी अवस्था में आपको इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा सन्नियम नियंद्रिय ग्रामम इंद्रिय इंद्रियों के ग्राम मान समूह तो शरीर जो इंद्रियों के समूह है उनको नियंत्रित करना होगा और ऐसा करके फिर तब भगवान ने कहा कि ऐसा करने वाले व्यक्ति ते प्राप्तवंत मामेव ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त होता अर्थात तो वो साक्षात श्रीकृष्ण हो जाता है और फिर एक और शर्त जोड़ दी एक शर्त जोड़ दिया ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत हिते रता वह सभी प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ सर्वभूत हिते रता ऐसा व्यक्ति सभी प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ मुझे प्राप्त होता है मुझे प्राप्त होता भगवान कृष्ण को प्राप्त होता है अर्थात वो कृष्णमय हो जाता है हमने अपने जीवन में इस श्लोक पर बहुत विचार किया बहुत से लोगों की व्याख्याएं पढ़ी और उन व्याख्याओं का अपने ढंग से मैंने सोचा कि क्या उन लोगों ने कहा अर्थ बहुत सरल ही है लेकिन उसमें यह बात कहना कि वह सर्वभूत हित हो ग्रामम और सर्वत्र हो तो मैं इसमें एक रहस्य की बात यहां रहना चाहूंगा तो तमाम विद्वान लोग जो पहुंचे हुए आध्यात्मिक लोग हैं मेरी इस बात पर विचार करके अपनी विचार रख सकते हैं कि जैसे ही व्यक्ति अव्यक्त के नजदीक जाने की कोशिश करता है अनिर्देश के जा के नजदीक अक्षर के नजदीक उपासना करता है अव्यक्त की उपासना करता है अचिंत्य की उपासना में नजदीक जाता है तैसे ही जैसे ही उपासना करेगा वैसे तो ही उसके ऊपर एक ऐसा वातावरण तैयार होता है कि जैसे उसको उसकी इंद्रिय निग्रहता निग्रहता की परीक्षा दी जाए उसके संबुद्धि होने की परीक्षा ली जाए और वह क्या सर्व कल्याणी है कि नहीं है इसकी तीन परीक्षाएं उसकी दी जाती है अक्सर जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं उनके पास ये संसार ये संसार का जो माया है ये जो भौतिकता है ये भौतिकता उस व्यक्ति को घेर लेती है उदाहरणों से भी आप देख सकते हैं कि जो लोग भी अध्यात्म का अभ्यास करते हैं अक्षर ब्रह्म का अभ्यास करते हैं उनके ऊपर तमाम प्रकार की संपत्तियां जैसे लगता है उनके ऊपर फेंकी जा रही हूं उनको राज्य मिल जाता है उनको संपत्तियां मिलती है उनको और भी बहुत प्रकार के उनको संसार में बांधने वाले तत्व मिल जाते हैं ये एकदम सत्य बात है जो लोग भी उसका अभ्यास किए हैं या करते हैं उनको संसार में वो सभी चीजें प्राप्त होने लगती हैं जो उनको नीचे गिराने वाली ईश्वर का जो पद प्राप्त करना जो अक्षर के साथ जो लगाव कर रहे हैं जो अनिर्देश के साथ लगाव कर रहे हैं जो सत्य के साथ लगा इसको सत्य भी कहा उन सभी लोगों को इन सबसे दूर हटाने के लिए एक प्रकृति में एक ऐसा वातावरण क्रिएट होगा कि अगर आप इस तरह का अभ्यास करेंगे तो आपको इसमें आपको परेशान किया जाएगा बहुत बहुत बड़ा मानक उदाहरण बहुत से लोगों का नारद जी का उदाहरण दे सकते हैं कि नारद एक खास किस्म से ध्यान करके ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे या ध्यान लगाए थे और पूरी उनकी कहानी की कैसे इंद्र ने उनके यहां तमाम कन्याओं को माताओं को भेजा और उनका ध्यान भंग करने की कोशिश किया और फिर उनका ध्यान जब भंग नहीं हो पाया तो वो सभी जो माताएं थी सुंदरियां थी उन्होंने उनको जगाया नारद को और कहा कि अरे हम लोग तो आए थे आपका ये ध्यान भंग करने के लिए, क्योंकि इंद्र को ये डर था कि ये ध्यान करके आप उनका पद कहीं छीन न ले तो इसलिए हम उनके द्वारा भेजे गए थे तो नारद जी हंस करके उनको विदा कर दी कहे नहीं जाओ हमको इंद्र का पद नहीं चाहिए लेकिन नारद ने जो अभ्यास किया इस पूरे चीज के अभ्यास को विष्णु पद का अभ्यास भी कहते हैं विष्णु क्योंकि श्री कृष्ण विष्णु है जब आप अनिर्देश अक्षर का अभ्यास करते हैं अर्थात आप विष्णु का अभ्यास करते हैं जैसे ही विष्णु का अभ्यास करेंगे तो विष्णु का पद प्राप्त करते ही ये संसार जो है जो लक्ष्मी है वो आपके नजदीक आती है और ऐसे में आपने भटकन हो सकती है और इस भटकन से दूर नारद जैसे व्यक्ति नहीं हो पाए क्योंकि उनके मन में एक अहंकार आ गया ये पूरी कहानी सबको पता है कि नारद को अहंकार होता है उस अहंकार में वो शंकर भगवान क्या जाते हैं और ये पूरा कहानी बयान करते हैं कि ऐसे से हुआ शंकर ने कहा कि ठीक है आप जो है ये कहानी हमसे तो कहे लेकिन विष्णु भगवान से मत कहिएगा लेकिन नारद जी जाकर विष्णु भगवान से कहे और विष्णु भगवान ने फिर जो भी किया वो सब लोगों को पता है कि कैसे नारद जो कि इतने सन्यासी व्यक्ति हैं कि ऐसा कुछ उनके ऊपर असर पड़ता है एक अहंकार आ जाता है कि हमने काम को विजय प्राप्त कर लिया है और उस अहंकार में फिर उनकी परीक्षा होती है उस परीक्षा में उनकी ऐसी परीक्षा होती है बड़ी घनघोर परीक्षा होती है कि एक नकली कुछ लक्ष्मी जी ही नकली प्रकट होती हैं उनकी परीक्षा के लिए और उनको उनका हाथ देखते हैं नारद जी और सोचते हैं कि अगर इनसे मेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता मैं त्रिलोकी का स्वामी हो जाता तो त्रिलोकी का स्वामी होने के लिए वो पलट पड़ते हैं विष्णु के यहाँ और कहते हैं कि मुझे अपना रूप दे दीजिए तो अरे क्यों क्यों क्यों, क्यों नारद क्यों रूप क्यों कह मुझे अब शादी करना है तो ये जो एक नारद का एक, एक बड़ा ही जिसे कहा जाए कि एक अपमानजनक स्थिति इस संसार में जैसे ही कोई व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत दूरी तक आगे बढ़ता है तो उसके लिए एक पतनोन्मुख वातावरण बनता है वो पतनोन्मुख वातावरण बनता है कि वह व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रण में न रखे और अगर वह व्यक्ति सबके साथ समान भाव न रखे और सभी प्राणियों के कल्याण में न लगा रहे तो उसके भटकन की स्थिति होती है ऐसा गीता के बारहवें अध्याय के निःष्लोकों में कहने के बाद फिर भगवान कृष्ण और भी बहुत सी बातें कहते हैं ये गीता का बारहवा अध्याय प्रारंभ होता है कृष्ण के एक प्रश्न से कृष्ण के अर्जुन के एक प्रश्न से कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम ये चाप्यक्षर मक्तम तेषाम के योग वित्तमा अर्जुन पूछता है भगवान से ग्रह अध्याय में भगवान ने अपना पूरा विश्व का रूप दिखाया अर्जुन को ये संसार में एक बड़े विशेष ढंग से भगवान ने अपना एक विशेष रूप दिखाया ग्रह अध्याय पढ़ने से पता चलेगा तो फिर उसके रूप दिखाने के बाद भी भगवान ने अपने अक्षर स्वरूप को अव्यक्त स्वरूप को ही प्रथम स्वरूप बताया और उसी ने अर्जुन के मुख से कहलवाया कि अरे हमने तो आपको अभी तक जो हे कृष्ण कहा आपको हे यादव कहा हे सखा कहा इसके लिए मुझे माफ करिए मैंने आपको कृष्ण कहा मैंने सखा कहा मैंने यादव कहा इसके लिए मुझे माफ करिए ऐसा करके अर्जुन जब जान जाता है कि ये एक बड़ी कोई पराशक्ति है एक कोई सत्य है तो इनको मैं तो सखा मान करके और यादव कहा कृष्ण कहा तो वो उसे मुझे माफ करें क्योंकि ये तो एक सत्य है सत्य जिसका कोई नामकरण नहीं किया जा सके जो सत्य है इस संसार का उसका कोई नाम नाम करना माने उसको उससे भ्रम में आ जाना अब इसके बाद तब फिर जब ये बारहवा अध्याय शुरू होता है तब वही अर्जुन उससे उनसे पूछते हैं कि भगवान ये बताइए कि जो ये सब रूप और पूरा संसार आपने दिखाया उस संसार की जो आराधना करते हैं पूरे संसार में जो आप व्याप्त हैं उसकी जो आराधना करते हैं लगातार उसमें और जो आपके अक्षर ब्रह्म की आराधना करते हैं एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर ये चाप्यक्षरम जो अक्षर और अव्यक्त की आराधना करते हैं उसमें और जो ये पूरा संसार आप संसार ही पूरा आप हैं, एक व्यक्त रूप में जो आप हैं उसकी आराधना जो लोग करते हैं उसमें कौन श्रेष्ठ है भगवान ने कहा कि मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपास पर युक्त तवामता इसका अर्थ यही हुआ कि भगवान ने कहा कि जो मेरे में मन लगा करके लगातार मेरे को स्मरण करता है मुझे प्रार्थना करता है मेरी उपासना करता है मेरे का मतलब पूरा संसार ही मैं हूं वो बड़ा उत्तम कोटि का मेरा भक्त है परंतु दूसरे लाइन में वो ये बातें कहते हैं जो मैंने कहा ये त्वक्षर निर्देश अव्यक्तम परि सर्वत्र गम च चुटस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रिय ग्राम सर्वत्र संबुद्ध ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हितेरता ये बातें कहा भगवान ने जिसकी व्याख्या मैंने पहले किया कि जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं या अक्षर सत्य की उपासना करते हैं उस पर भगवान ने शर्त लगाया कि उन्हें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा उन्हें अपने एक सोच पर नियंत्रण करना होगा कि सबको समान भाव से देखना होगा और उन्हें अपने लिए ये भी रखना होगा कि सभी प्राणियों के कल्याण में वो लगे रहें तब वो ईश्वर अर्थात कृष्ण को प्राप्त करेंगे उसके बाद भगवान कृष्ण ने बाकी श्लोकों में कुछ उपाय जैसे बताए कैसे करना चाहिए फिर भगवान ने इस अक्षर ब्रह्म की उपासना को कहा कि यह बड़ा क्लेश पूर्ण है कठिन है ये तो अक्षर ये भगवान ने कहा कि ते सर्वभूत रता फिर उसी के बाद कहा क्लेशोधिक तरस तेषा अव्यक्ता शक्ति चेतसा अव्यक्ता ही गतिर दुखम उनका ये जो देहधारी लोग हैं इन देहधारियों के लिए अव्यक्त की आराधना अव्यक्त की नॉन मैनिफेस्ट की आराधना कठिन है और भगवान ने कहा कि क्लेशोधिक तरस क्लेशोधिक माने अधिक क्लेश होता है क्लेश अव्यक्ता शक्त चेतसाम जो अव्यक्त की आराधना में जिनकी चेतना लगी है उनको क्लेश है अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवदिप्य जो देह वाले लोग हैं उनके लिए अव्यक्त कठिन है फिर भगवान ने इसी में कहा ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संस्थ मतपरा अन्य नैव योगेन माम ध्यान तुपास तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशी चेषा मय एव मन आधत्स्व मय बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय एव अत ऊर्ध्वम न संशय अथ चित्तम न शक्नोषि मय स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं बन्धनजय अभ्यासेप्य समर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन सिद्धिमवाप्ससि अथतद शक्त कर्म मध्योग्रिता सर्वकर्म फलत्यागम ततः पूरी युवान्ेयो ही ज्ञानमसा ज्ञा ध्यान विशिष्य ध्याना कर्म फलस्त्यागम त्यागा अद्वेष्टा सर्वूताना यहाँ भगवान धर्म की बात करते हैं अद्वेष्टा सर्वूता सभी प्राणियों के प्रति द्वेष न रखना अद्वेष्टा सर्वूता मैत्र करुण निर्ममो निर्हंकार सं दुख सुख क्षे क्षमी संुष्ट सतम योगी यता दृढ़ निश्चय मै्यर्त मनोबुद्धिभक्त लोका लोकान्नो दिजते च य मुक्तो भोदैर्मुक्त ये प्रिय सम शु च मित्रे चथात्मो शीतोष्ण सुख दुखेशु संग विवर्जि तुल्य निंदस्ततिर्मौनी संतुष्टो ये कचिद अनीकेत स्थिर्मतिर्भक्ति में प्रियो नर ये तो धर्मृत यथोक्त पर्युपास्ते शक्ता सेव में प्रिया ओम तत्सदिति ओं तत्सति श्रीमद्भगवीता संवादे विद्या योगो नाम द्वादशो अध्याय ये जो द्वादशो अध्याय का बारहवें अध्याय का ये जो बीस श्लोक है इसके अंत में जो पांच छह श्लोक है वो व्यक्ति को कैसे जीवन में जीना चाहिए कैसे सबके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए मित्रता का भाव रखना चाहिए किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और इसको भगवान ने कहा कि ये ये धर्म अमृत धर्म है ऐसे करके कहा और प्रारंभिक दौर में भगवान ने कहा कि जो मुझे सोचता है जो अपने मन को और बुद्धि को मुझ में लगाता है वो मेरे में निवास करता है ऐसा करके भगवान ने और फिर यहां तक भगवान ने कहा कि जो मेरे में मन को लगाता है मेरे को जो सोचता है मैं उसमें प्रकट हो जाता हूं ऐसे करके भगवान ने कहा भगवान ने कहा कि आ, क्लेशाधिकरस्तेषा अव्यक्ता सकचेसा अव्यक्ता गतिरदुखम देहवद्दिर्वाप्यते ये तो सर्वाणी कर्मा मई संत् अन योगेन मं ध्यापासस्ते तेजाह समुद्धरता मृत्यु संसार सागराद भवामी न पार्थ आवेश चेता भगवान यहाँ कहते मय्य मन आधत्स्व जो अपने मन को मेरे में लगाता है मयि बुद्धिम निवेशय

थोड़ा कठिन है लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि अगर व्यक्ति थोड़ा अभ्यास करे धीरे धीरे अभ्यास करे तो वो सब अभ्यास करने से वो मेरे समीप आ जाएगा और फिर इस अभ्यास में भगवान ने त्याग शब्द का प्रयोग भी किया है कि हर चीज में त्याग का भाव रहे एक पकड़ का भाव ना रहे जैसे अगर सामने अभी ईश्वर प्रकट हो जाए तो ईश्वर से सत्य की मांग करने के बजाय कोई लगे संसार में राजपाठ दे दीजिए रुपया पैसा दे दीजिए तो उसको एक बेवकूफ कहा जाएगा और यही कहा जाएगा कि प्रभु जो है वह आपके सामने प्रभु प्रकट हो गए तो आपने मांगा क्या उनसे प्रभु से यही मांगना है कि आप मुझे एक आप अपने आप को ही दे दीजिए मुझे अर्थात संसार से प्र, प्रभु से हमें पदार्थ नहीं मांगना प्रभु से पदार्थ नहीं मांगना पदार्थ मांगे तो आप जहाँ है वहीं पर रुक गए प्रभु से प्रभु को मांगना है और प्रभु को प्रभु से मांगने का मतलब होता है कि पदार्थ जो है वह व्यक्ति को कैसे पीड़ित करता है ये संसार जो पदार्थ है ये पदार्थ और उसके प्रति जो लगाव है वो व्यक्ति को पीड़ा करता है तो भगवान से जैसे ही मुलाकात हो भगवान आपके हृदय में तो उनसे कही कि मैं आप ही को चाह रहा हूं मुझे संसार का ये भौतिकता नहीं चाहिए जो भौतिकता का क्या है आद्यंतवंत ये भोगा न ते बुधा ये जो संसार का भोग है ये आदि अंत वाले भोग है सब कुछ आदि-अंत है बिगनिंग एंड एंड बिगनिंग एंड एंड तो भगवान ने कहा कि आद्यंतवंत ये भोग नते सुरमते बुधा गीता में कहीं और कहा ये बात कि जो आदि अंत वाले जो भोग हैं उसमें समझदार व्यक्ति फंसता नहीं है और व्यक्ति जो अक्षर सत्य है उसके साथ अपने को लगाव करता है तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हुए और माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए कि उन्होंने ये बोलना बोलने की प्रेरणा दिया और भैया को प्रणाम करते हुए कि उन्होंने एक अवसर प्रदान किया कि तो मैं बोल सकूं तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये व्याख्यान यही समाप्त करता हूं तो जिसे कहते हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत ओम तत्सत और जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय जय सियाराम जय जय राधे कृष्ण